इतना ज़्यादा क्वांटिटी आप कैसे मैनेज कर ले रहे हैं? इसमें देखो बेनिफिट तो दूसरे के हिसाब से हम बेनिफिट कम लेते हैं। अपन क्या कि बंदे लोगों को अच्छा लगना चाहिए, हाँ कुछ खाया है। अच्छा, तो ऐसा लगे कि यार कुछ खाया नहीं है तो मजा नहीं आएगी। बोले अपने को बेनिफिट कम मिले, वो अपने को वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई वादा नहीं है। अच्छा, चलेगा अपने को। हे गाइस, अगर आप नॉनवेज लवर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको नवसारी शहर के द पिज्ज़ा प्लेस में लेकर आया हूँ। यहाँ पर है ना बहुत ही बढ़िया शर्मा बर्गर पिज्ज़ा सब चिकन में मिलता है, तो मुझे लगा ये वीडियो शायद आप तक पहुँचानी चाहिए। और यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पे बहुत ही यहाँ का जो प्राइस है ना काफ़ी रिजनेबल है, जो मुझे काफ़ी सही लगा। यहाँ का लोकेशन काफ़ी इजी है, ये आपको नवसारी एग्रीकल्चर गेट के एग्जैक्ट सामने मिल जाएगा। तो ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो यहाँ के ऑनर से बातचीत करते हैं और आपको बढ़िया सी दो तीन वेरायटी दिखाते हैं। गाइस, मेरे साथ है द पिज्जा प्लेस के ऑनर, इनसे मिलते हैं। सर आपका नाम बताइए। हार्दिक गांधी। अच्छा, और हार्दिक भाई कब से चालू किया यहाँ पे? ये 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गया। और यहाँ का थोड़ा लोकेशन समझा दीजिए। ये अपना रहता है एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने है। हा? और बाजू में अपना मुंगा बेड़े की स्कूल है ना, उसके बगल में ही है। अच्छा, और यहाँ का टाइमिंग क्या रखा सर आपने? टाइमिंग रहेगा 3:30 से रात को 11:30 बजे तक। अच्छा, और क्या क्या मिल जाता है सर अपने पास? अपने पास है चिकन शावरमा, चिकन पिज्जा, चिकन बर्गर, पॉपकॉर्न चिकन, यानी टोटली आपके यहाँ नॉनवेज से रिलेटेड नॉनवेज सब वैरायटी मिल जाएगी। अच्छा, और कैसा आइडिया सर आपको यहाँ पे चालू करने का? ये बस थोड़ा पहले से चिकन खाने का बहुत इंटरेस्ट था, चिकन शावरमा। अच्छा, तो हमने भी काफी जगह पे नवसारी में ट्राई किया, लेकिन जो टेस्ट आना चाहिए वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आ रहा था। अच्छा, तो मेरा भी यह खुद का वो है कि यार कुछ डालो ये। अच्छा, तो मैंने भी फिर इसका पहले टेस्ट समझा क्या है टेस्ट। अच्छा, थोड़ा स्टडी बड़ी की इसकी भी, थोड़ा समझा कि एक्चुअल में टेस्ट क्या है चिकन शावरमा का। फिर बस वो चीज लेके आया, वो टेस्ट लेके आया, और सबको ये टेस्ट किया, ज्यादा पसंद आ रहा है हमारा। बहुत बढ़िया। और सर हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं उनसे कुछ कहना पसंद करेंगे सर? हाँ जरूर, क्यों नहीं, एक बार आओ हमारे यहाँ द पिज्जा पैलेस, एक बार देख के देखो हमारा पिज्जा शावरमा कैसा है, आपको भी मजा आएगा। एक बार विजिट करो, यहाँ पे मिनी पार्टी भी करनी हो, बर्थडे पार्टी, अच्छा वो भी हो जाएगी। अच्छा, सीट हमारी सीटिंग भी कम से कम है 25-30 की सीटिंग है। अच्छा, और बढ़ा भी सकते हैं अगर आपके बंदे ज्यादा हो तो। अपने पास स्पेस भी है, अच्छी है खासी है, तो आप एक बार विजिट करो तो आपको पता चल जाएगा हमारा टेस्ट कैसा है चिकन शावरमा। प्रॉपर टेस्ट करना हो तो चिकन शावरमा तो आइए अपना पिज्जा पैलेस में, दो पिज्जा पैलेस। तो सर हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाना पसंद करेंगे? हमारे यहाँ ऐसे नॉर्मली चिकन पिज्जा और चिकन शावरमा रेगुलर ज्यादा जाता है, और हमने अभी पॉपकॉर्न चिकन और चिकन बर्गर भी चालू किया, और 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में चिकन सैंडविच भी आ रहा है, फ्रेंच फ्राइज आ रहा है, सब आ रहा है हमारा यहाँ। 1 हफ्ता लगेगा जाने लगेगा, तो वो भी टेस्ट करो, वो अलग कुछ हटके है थोड़ा। तो ठीक है गाइस, आपको है ना यहाँ पे बढ़िया से 2 वैरायटी दिखाते हैं। ओके, तो गाइस देख लो ये हमारा पिज्जा रेडी होने जा रहा है, और यहाँ के शेफ मेरे साथ में। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है। अच्छा, तो सर सबसे पहले इसके अंदर क्या डाला आपने? इसमें मैं मेयो डाला। अच्छा, मेयो डाला जी। ये हमारा टोमेटो सॉस है। अच्छा, ये टोमेटो सॉस भी आ गया। ये हमारा स्पाइसी है, स्पाइसी चटनी। ये आपका खुद का बनाया हुआ है? जी, हमारा खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, और ये क्या है सर? ये हमारा चिकन है। अच्छा, ये चिकन का आपने कद्दूकस करके रखा हुआ है? जी, कद्दूकस करके इसको हम लोग उबालते हैं। अच्छा, उबाल के हम लोग मसाला वगैरह सब इसमें मिक्स करते हैं। अच्छा, और हमारा पिज्जा बहुत दूर दूर से खाने वाले आते हैं। बहुत। और यहाँ की पब्लिक ज़्यादा क्या पसंद करती है? जी, पिज्जा शावरमा। पिज्जा शावरमा ज़्यादा पसंद, चिकन शावरमा, चिकन पिज्जा। गाइस देख लो, ये मेयो है। गाइस देख लो, इसके अंदर मेयो आ गया जी। और गाइस देख लो, ये इसके अंदर चीज जरा सा चीज कौन सा कंपनी यूज करते जी? ये मेरा अमूल का चीज है। अच्छा, अमूल का यूज करते हैं हम लोग, अमूल का यूज करते हैं। अच्छा जी। तो गाइस देख लो, स्वाद काफी अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पे। ये हमारा ये पिज्जा चिल्ली है। अच्छा, तो ये इन्होंने पिज्जा चिल्ली डाल दिया अंदर जी। ये मैं अभी वैन के अंदर डालने जा रहा हूँ। तो गाइस देखो, ये बेक हो रहा है ना, तब तक आपको ना बढ़िया सा शावरमा दिखाते हैं। तो गाइस देख लो, ये हमारा दूसरा आइटम शावरमा रेडी होने वाला है। तो हार्दिक भाई, ये शावरमा का क्या प्राइस रखा था आपने? ये नॉर्मली 50 रुपीज़ रेट है।
अच्छा, और अगर हमारे किसी व्यूअर्स को चीज वाला खाना है तो? हाँ, तो 70 रुपीज रेट है एक्चुअली। अच्छा। ज्यादा 50 वाला ही ज्यादा है, क्योंकि वो मायनीज जो आता है ना, वो समझो कि चीज बराबर ही रहता है। अच्छा। अगर किसी को एक्स्ट्रा चीज चाहिए, कुछ और चीज ही चाहिए, तो चीज डाल के हम लोग 70 में रेट है। बाकी 50 रुपीज में भी आपको चीज जैसा ही टेस्ट मिलेगा, और रेगुलर वही ज्यादा चाहते हैं हमारा। अच्छा, ये जो आप अपने साथ दूसरे शेफ रहे, इनका नाम बता दीजिए। इसका बंदे का नाम है सोनू भाई। सोनू भाई है, बढ़िया बना रहे हमारा बंदा। तो सोनू भाई हमारे लिए ना एक बढ़िया सा शवरमा बना दीजिए, लगाइए। तो गाइस देख लो, ये जो चिकन है ना, ये इसको कटिंग होने वाला है। पहले इसको काटते हैं अपन। अच्छा, ठीक है। जो सेका हुआ है, वो जो प्रॉपर हो गया सेक, उसको हम लोग काटे जा रहे हैं। अच्छा, कच्चा नहीं काटते। तो ये आपका चिकन रोज का फ्रेश रहता है सोनू भाई? हाँ, एकदम डेली फ्रेश रहता है, वो दूसरे दिन चलता भी नहीं है ये चीज। अच्छा, तो गाइस देख लो, अगर आपको बढ़िया सा शवरमा खाना है ना, तो आप इधर पर एक शेप से करती है ये, उसका भी एक शेप रहता है प्रॉपर। अच्छा, तो ये कटिंग हो रही है। अच्छा, पीस जो काटे उसकी छोटी छोटी बारीक कटिंग होती है। तो गाइस देखो, ये मायनीस लगाया है। अच्छा, अभी सीजन डालेंगे और उसको तड़का लगाएंगे। फिर देखो कैसे तड़का लगता है, ये बढ़िया चीज है तड़का। अच्छा, तो तड़का बोले थोड़ा ऐसा शवरमा आप पहली बार ट्राई करने वाले हैं। और ये इसके अंदर मेयो आ गया, ये क्या सर? ये सिजवान चटनी है, सिजवान चटनी और मेयो आ गया। ठीक है, ये आ गया कोबीस। इसके बाद थोड़े आलू के चिप्स, फिर थोड़ी मीठ आएगी, तो ऊपर से थोड़ा केचप। तो आप इतना सारा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी ऐसे ही मिलने वाला है यहाँ पे? श्योर, क्यों नहीं, 100%। अच्छा, अभी इसके ऊपर आएगा चिकन हमारा। अच्छा, तो चिकन की क्वांटिटी देखो, बहुत ज्यादा सही रहेगी। और इसके ऊपर भी वापस थोड़ा मायोनीज। अभी इसमें क्या चीज की जरूरत ही नहीं रही, मायोनीज का टेस्ट ही इतना बढ़िया है ना सर जी, कि चीज की आपको जरूरत नहीं रहेगी। हो गया अपना ये कम्प्लीट रेडी। गाइस देख लो, हमने यहाँ पे है ना दो बढ़िया सा वैरायटी मंगाया है। ये यहाँ का चिकन शवरमा, इसका प्राइस है 50 रुपया। और ये हमने यहाँ पे चिकन पिज्ज़ा मंगाया था, इसका प्राइस है 60 रुपया। अगर आप इसके अलावा आप अगर यहाँ पे चिकन बर्गर लेंगे ना, उसका प्राइस भी 60 रुपया है। और मैं यहाँ पे आने के बाद देखा ना, तो ये जो शवरमा की क्वान्टिटी थी भाई, ओवरलोडेड था। आप इसमें देखेंगे पास से, तो यहाँ पे जो ये मेयो यूज़ कर रहे हैं, वो भी एकदम ओवरलोडेड है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी इन्होंने डाला था, जैसे बीट डाला था और वेफर्स, बीच बीट बटाका चिप्स, इन्होंने बहुत कुछ डाला था। इसलिए मैंने ये चीज वाला ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि ये है ना चली जाएगा, चली जाएगा, इसकी कोई जरूरी नहीं है। हाँ, चीज ही हो गया ऐसे भी। अच्छा, तो गाइस इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे लेते हैं पहला बाइट। तो गाइस अगर आप चीज वाला भी खाना चाहते तो खाइएगा, पर मेरे हिसाब से आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो मेयो की क्वालिटी है ना, वो काफी अच्छी है। टेस्ट अच्छा है, चिकन का क्वांटिटी भी इन्होंने काफी ज्यादा डाला था। तो एक बाइट और लेते हैं इसका। सेकंड बाइट में क्या हो रहा है, ये जो इन्होंने जो आलू का चिप्स डाला था ना, उसको क्रंची हो जाता है, उससे थोड़ा क्रंची हो जाता है। मेयो भी और इसका सेजवान चटनी, वो भी अच्छा काफी फ्लेवर कर रहा है। तो सर इतना ज्यादा क्वांटिटी आप कैसे मैनेज कर ले रहे हैं? इसमें देखो बेनिफिट तो दूसरे के हिसाब से हम बेनिफिट कम लेते हैं, पर क्या कि बंदे लोगों को अच्छा लगना चाहिए, हाँ कुछ खाया है। अच्छा, फिर ऐसा लगे कि यार कुछ खाया नहीं है तो मजा नहीं आएगी। बोले अपने को बेनिफिट कम मिले, वो हमने को वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई वादा नहीं है। अच्छा, चलेगा अपने को। तो ठीक है गाइस, आप भी अगर आकर बढ़िया सा 50 रुपए में शवरमा खाना चाहते हो, तो यहाँ पर आ सकते हो। मेन बात ये है कि एक जो भी है चिकन वैरायटी जो भी है, सबको अपन हिंदू है। अच्छा, तो क्या आपको वो ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, थोड़ा क्या कि सबको एक मेंटली रहती है थोड़ी के वो है वो है, तो अपने को इधर आपको वो जो सही मिलेगा, सब सही मिलेगा आपको, वो बिना टेंशन के आप आ सकते हो यहाँ पे। और गाइस अगर आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको देखिएगा यहाँ पे सीटिंग की व्यवस्था भी काफी अच्छी है, जस्ट रोड पे है। तो एक काम करते हैं, ये मुझे काफ़ी पसंद है, अभी आपको मैं दूसरा आइटम का यहाँ पे दिखाने वाला। तो गाइस देख लो, ये रहा यहाँ का चिकन पिज्ज़ा, इसका प्राइस आपने 60 रुपये, इसमें वीट चीज़ आ जाती है। अच्छा, माइनस वीट चीज़। हाँ, तो मेकिंग तो लगभग आपने पूरा देख लिया। और इसके अंदर इन्होंने चिकन है ना, वो किसके डाला था।
तो वो जो चिकन रहता है उसको क्रिस्पी करने के लिए तलते हैं कि उसे बॉईल करके रखते हैं? नहीं, इसको बॉईल करके फेंकना पड़ता है। बॉईल करके भी इसमें ओवन में वो क्रिस्पी हो जाता है, ओवन में वो सेक आएगा थोड़ा। अच्छा, गाइस इसका एक बाइट लेते हैं। सारे सॉसेस है ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक्चुअली जब तक अच्छा सॉस, अच्छा मेयो, अच्छा चीज़ अंदर डाला नहीं हो ना, तब तक वो स्वाद का मज़ा नहीं आता। और अमूल का चीज़ इन्होंने डाला था, उसके वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतना अच्छा इन्होंने इसको बेक किया ना, नीचे से आप देखेंगे ना तो आपको नीचे से जला हुआ भी नहीं दिखेगा। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बर्गर है, चिकन बर्गर, चिकन बर्गर है, पॉपकॉर्न चिकन है। अच्छा, सैंडविच है, फिर फ्रेंच फ्राइज आ जाएगी। क्या प्राइस रखा है इसका? चिकन जो पॉपकॉर्न चिकन है वो 100 का है। 100 का, इसमें 8 पीस आएंगे। अच्छा, और वो दूसरा आपने आइटम बोला था क्या था? अपने सैंडविच, चिकन सैंडविच आएगी, उसका रहेगा आपको 60 रुपीज़ वो भी, ठीक है। और फिर फ्रेंच फ्राइज आएगी, वो रहेगी 50 रुपीज़। उसमें भी आप ऊपर से हम लोग ये थोड़ा बटर का आलू चिप्स और ये चटनी मायोनीज सब डाल के देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चिप्स दे देते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अगर आपको एक्स्ट्रा मेयो चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप भी अगर नवसारी शहर में कुछ बढ़िया सा वैरायटी चिकन में ढूंढ रहे हो चीप प्राइस में, तो आप यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक काम करते हैं, आशीमन का भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ठीक है गाइस, हम लोग ने पूरा ख़त्म किया, काफ़ी मज़ा आया। और आप भी अगर एक बढ़िया सा चिकन शवारमा और चिकन पिज़्ज़ा नवसारी शहर में ढूंढ रहे हो तो ये जगह काफ़ी आपके लिए अच्छी होने वाली है। कम प्राइस में बढ़िया सी क्वालिटी सिर्फ मिलेगा कहाँ आपको, कि द पिज़्ज़ा प्लेस में। पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा था, शवारमा भी काफ़ी अच्छा था। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 7 बजे नई वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हो तो अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक ले, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।